और चलिए अब खबर मध्य प्रदेश में, खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे सतना के नागौद के रहिकवार गांव में नवोदय विद्यालय के पास यात्री बस पलट गई। हादसे में 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जो है आपको बता दें, घायलों में 6 बच्चे शामिल हैं और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कोटा कोच कंपनी की बताई जा रही है बस, और जिसमें 45 यात्री सवार थे जो कि हादसे का शिकार हुई है। और इस दौरान आपको बता दें बस में 45 यात्री सवार थे, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बस पलटी है। 11 यात्री घायल हुए हैं जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यात्रियों से भरी बस पलटी है, हादसे में 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो बस में कुल 45 यात्री सवार थे जो हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन इस बीच हादसे में 11 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं जिनमें 6 बच्चे शामिल हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे की, जहां पर ये बस पलटी है। तो घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बस में कुल 45 यात्री सवार थे और हादसे में 11 यात्री घायल हुए हैं जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। तो फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सतना से ये बड़ी जानकारी है, जहां यात्रियों से भरी बस पलटी है। हादसे में 11 यात्री घायल हुए, हालांकि बस में 45 यात्री सवार थे, लेकिन 11 यात्रियों के ज्यादा घायल होने की खबर है जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी, अपडेट तो यही है, जब 11 लोग सतना जिला हॉस्पिटल में रेफर कर दिए गए हैं, हालांकि वो खतरे से बाहर हैं। तो अभी क्या जानकारी मिल रही है, हादसा कैसे हुआ? नवौद के रहिकवारा गांव नवोदय विद्यालय के पास घटना है। जो सुबह 9 बजे करीब बस थी और कोटा कोच कंपनी की बस बताई जा रही है, जिसमें 45 यात्री घायल हैं और 11 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की वजह क्या है उमेश, क्या जानकारी है? जी, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? हादसे की वजह से भी ओवरलोडिंग के चलते ये हादसा हुआ है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ओवरलोडिंग की वजह से बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि 45 यात्री इस बस में सवार थे, हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन 11 लोग घायल हुए हैं और इसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर है, फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है।